गर्मियों का मौसम है और उसमें ये हैक बहुत ही कारगर नंबर वन अक्सर मैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे तरीके से कट करके रख देती हूँ फ्रिज में, और जैसे ही मेरा हस्बैंड आने वाले होते हैं या फिर बच्चे को खाना होता है तो उससे 10 मिनट पहले से फ्रिज से निकाल करके डाइनिंग टेबल पे या हॉल में रख देती हूँ, जिससे कि वो छोटी मोटी भूख के लिए ईजी होता है। हैक नंबर टू, अक्सर क्या होता है घी के बर्तन खाली होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चिकनापन रह जाता है, तो चिकनापन को निकालने के लिए इसमें एक कटोरी थोड़ा सा इसमें गर्म पानी दे करके छोड़ दें और उस पानी से आप आटा गूंद लें या फिर सब्जी में डाल दें, जिससे कि इसका चिकनापन निकल जाएगा और ईजिली वॉश भी हो जाएगा। और ये हैबिट मैं हमेशा अपनाती हूँ, जैसे कि ना मुझे एक बर्डन नहीं रहता है कि ये चीज़ क्लीन करना है, मैं टाइम टू टाइम ये क्लीन कर लेती हूँ तो इससे बहुत आसानी होती है। अब बारी है नेक्स्ट हैक की, अगर चावल में कीड़े लग रहे हैं या कीड़े से बचाना है तो आप चावल में लाल मिर्च और थोड़े लौंग और तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, जिससे कि कीड़े नहीं लगेंगे। जब कभी भी हम ग्रॉसरी लाते हैं तो उसे हम कंटेनर में फिल करते, फिल करने के बाद एक रैपर रह जाता है, उसका जो भी है कवर रह जाता है, तो उसका हम गार्बेज बैग की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा गार्बेज बैग का जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है, उसका कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हैक है, जैसे कि हम महीने में जो भी मंथली हम शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के बैग्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, प्लास्टिक बैग्स, तो उसका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और कई बार क्या है, डब्बे हम कुछ प्लास्टिक कंटेनर वाले कुछ आइटम खरीद लेते हैं तो उसका हम कुछ स्टोर करके रखने में यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेट्स को स्टोर किया कुछ इस तरीके से, तो हर बार खरीद न्यू स्टोरेज बॉक्स खरीदने से अच्छा है कि कुछ पुराने वाले इस्तेमाल कर ले। और यहाँ पे मैंने पुराने मैगी का यूज्ड पैकेट को गार्बेज बैग की तरह यूज किया है। कई बार बिस्किट ओपन होने के बाद हम उसे ठीक से स्टोर नहीं कर पाते तो उसमें हवा लग जाता है, तो उसे कुछ इस तरीके से एक डब्बे में डाल दें और डाल देने के बाद एक चम्मच चावल डाल दें, जिससे कि इसमें हवा नहीं लगेगा, सेंधे नहीं होंगे। बरसात के सीज़न में अक्सर बिस्किट जो है थोड़े नरम हो जाते हैं। अब ये है नेक्स्ट हैक, जब कभी भी चाय बनाते हैं चाय के साथ ये चाय पत्ती रेसिड्यू रह जाती है तो इनका हम पौधों में यूज करें, जिससे कि पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा। और एक चीज़ और है कि देखिए, मैंने ना टमाटर जो भी सर जाता है तो उसे मैं इस तरीके से डाल देती हूँ, और ये छोटे छोटे जो पौधे देख रहे हैं वो टमाटर के वापस से आ गए हैं। तो अभी नेक्स्ट ये है कि जब कभी हम कोई दाल या कुछ भिगोते हैं रात भर ओवरनाइट के लिए, तो इसका पानी भी आप पौधों में डाल सकते हैं, इसके भी न्यूट्रिशन हमें पौधों में मिल जाएंगी और जो हमारा प्लांट्स है ना हेल्दी हो जाएगा। जब कभी भी चावल आप बॉयल करके बनाते हैं तो उसका जो पानी बच जाता है तो उसे इस तरीके से हम फेस पे लगा सकते हैं, जिससे कि प्रिंकल फ्री हो सकता है। कई बार ब्रेड यूज होने के बाद हवा लगने के बाद ड्राई हो जाता है, तो कुछ ब्रेड के पैकेट को कुछ इस तरीके से रैप कर ले, मोड़ करके उल्टा फोल्ड कर ले, जिससे हवा ना जाएगा, और फ्रिज में रख के, जिससे कि ब्रेड ड्राई नहीं होगा। अगर आपके पास भी इस तरीके छोटे फ्रिज हैं तो कैसे ऑर्गेनाइज करें, इस तरीके से आप भी पेपर बैग में वेजिटेबल और फ्रूट्स को रख सकते हैं, जिससे कि वो मिक्स ना हो। और ये नीचे वाले में मैंने कुछ इस तरीके से रखा है ऑर्गेनाइज करके, और इस टाइप के अगर मिठाई वाले डब्बे हैं तो उसमें भाजी वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेथी वगैरह रखा है, इसी तरीके से फ्रिज में हम रख सकते हैं। जब मन करे टिक्की खाने का तो आलू को उबाल ले, उसे फटाफट छील ले, छीलने के बाद कुछ इस तरीके से मैश कर ले, मैश करने के बाद एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करें, थोड़ा सा नमक,
थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ती, और इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद अब कोई भी शेप ले ले, मैंने यहाँ राउंड शेप बनाया है। राउंड शेप बनाने के बाद यहाँ पे रवा ले, या फिर आप रवा ही मैंने लिया, रवा ही लिया। इसे इस तरीके से ऊपर से रैप करेंगे, उसके बाद गर्मा गर्म तेल में छान लेंगे। तो रेडी है गर्मा गर्म आलू टिक्की। वाओ, खाओ पियो मजे करो। अब जब मैंने टिक्की बना ही लिया है तो मेरा मन कर रहा है क्यों ना इसे सैंडविच बना लूँ इसका। तो मेरे पास ब्रेड पहले से ही पड़ा हुआ था, तो ब्रेड को मैंने ले लिया है। सैंडविच तो आप सभी को बनाने आता ही है, पर मेरा ये वीडियो दिखाने का मोटो ये है कि जब हम टिक्की बनाते हैं तो उसके साथ जो सूजी रह जाता है बाद में, तो उसका आप आटे के साथ मिला करके कुछ कचौड़ी बना सकते हैं, कुछ नमकीन बना सकते हैं, उससे वेस्ट करने से अच्छा एक ऑप्शन है। अब हमारा नेक्स्ट है कि अक्सर दूध उबालने के बाद दूध के बर्तन में कुछ मलाई रह जाता है, मलाई को निकालने के लिए आप दो इसी में आटा गूंथ सकते हैं, जिससे कि बर्तन आसानी से क्लीन हो जाएगा, और मलाई ज़्यादा चिपके हैं तो चम्मच से आप निकाल सकते हो। और इससे जो आटा बनता है ना, बहुत ही नरम बनता है, और रोटियाँ भी बहुत नरम बनती है, और बर्तन बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट हैक की, तो अक्सर हम तेल लाते, तेल की बॉटल खाली होने के बाद बॉटल या तो हम फेंक देते हैं या फिर घर में रहते हैं। तो इसका क्या करना है, ऊपर के पार्ट को पहले हम कट कर लेंगे चाकू को गरम करके कुछ इस तरीके से। और कट करने के बाद कई बार हम तेल के पाउच लेके आते हैं, जो कि रिफाइंड तेल के अक्सर पाउच ही लेके आते हैं, तो उसे फिल करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप इस कटे हुए पार्ट को उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाएं, और फिर तेल आसानी से फिर हम इसमें भर सकते हैं, और जिससे कि तेल हमारा जो है बाहर नहीं गिरेगा, और हमारा काम भी बहुत आसान हो सकता है। तो ये बहुत ही काम की हैक है। आप सभी के घर में इस तरह के ग्लास जार तो होंगे ही होंगे, इनके जो कैप होते हैं उस अक्सर जंग लग जाते हैं, तो जंग से बचने के लिए इसे पहले क्लीन कर ले। क्लीन करने के बाद कोई भी नेल पेंट से इसे कोट कर दे, जिससे कि जंग ना लगे और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। आप सभी के घर में इस तरह के गुलाब जामुन के डब्बे तो ज़रूर होंगे, तो इसे ले लेंगे, और कुछ ऑयल पेंट से मैंने इसे येलो कलर से पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद करीबन इसे दो दिन लगे सूखने में। सुखाने के बाद अब मैं कुछ इस पर ड्रॉ करने वाली हूँ, और ये मैंने कर लिया है। कैमरे के सामने ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। और एक और जो ड्रॉ किया वो आप देख सकते हो, कितना ही उतना अच्छा तो नहीं बना, गंदा भी नहीं बोल सकती, पर अच्छा भी नहीं बना है। खैर जो भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये ड्रॉ तो हो गया, अब मैं इसमें कलर डालूँगी। तो कलर डालने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, और ये जो पीछे आप राधे कृष्णा देख रहे हो ना, वो भी मैंने ही बनाया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ड्रॉइंग अच्छी लगी, और किस टाइप की आप पेंटिंग पसंद करते हो।